जय गुरु। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्स स्पेस 007। आज के अभी अपन सामने ये वीडियो बांगलाते नहीं वीडियो अपन सामने बोलते चाहिए हमें लॉकडाउन थकाकालीन एरिया तो सब कि बंद आज है क्योंकि अपना ऑफिस एरिया ग्रीन जोन ऑरेंज जोन थकाकालीन से लॉकडाउन रिलैक्सेशन सुबादे अपना ऑफिस खुले गए बट अपनी रेड जोन थकाकालीन अपना ऑफिस जावर सुविधा पाचन ना अपना जावर इच्छा थकले जो पा तो क्षेत्र में आनी कि अपना बस सुप्रीम को लेटर लिखे पाठबें तो से ही ड्राफ्टिंग एखे देखा तो ड्राफ्टिंग जो लिखे से ड्राफ्टिंग आगे पढ़े शुनाव तपर हमें अन द स्क्रीन अपन ड्राफ्टिंग देखिए देव तो एक बार हमें ये पढ़े अपन शुना ड्राफ्टिंग करो फार्स जो अपना करबें एड्रेस ओखाना करबें टू दि एचआर मैनेजर और कन्सर्न पार्सन अपना जो सुप्रियर थकबे लिखभे एचआर डिपार्टमेंट के नर्माली लोके लिखे और डान दिखे रईट साइड ओपरे जेदिन लिखभे से दिन का डेट्ट देवें साधारण एक् जो मेल थ्रुते करा तो ओपरे कोम्पान नाम कि दरकार नहीं अपनी तो अपना कोम्पानी एड्रेस ही पाठबें अपना मेल के तो क्षेत्र में आनी और पर देवें से सबजेक्ट सबजेक्ट आनी कि लिखभे की जो आप रिक्वेस्ट कर जॉइन करते जॉइन करते चाहिए से ही अपनी सजेशन चाहिए एडवाइस चाहिए तो सब्जेक्ट अपनी ये देवें सजेशन फॉर जॉइनिंग इन पैंडेमिक लॉकडाउन ठीक है। तो तपर आनी लिखभे डियर सर अभी एखे डियर सर लिखे अपना जो महिला जी अपना सुप्रिय थे से डियर मैडम करते तो डियर सर तो मैडम देवें तपर हमें जो फर्स्ट पैराग्राफे जो तुले देखने लिखे इन दि सिचुएशन अफ पैंडेमिक कोविड 19 Within bracket coronavirus, all over the world and lockdown in India. I am at now in my house at अपना जो ठिकाना थको ये दी 158 नीलमणि रोड कोलकाता सप्तक 45 तरह फुस्ट दिए अपनी अब शुरू कर द सराउंडिंग अफ माई लोकल एरिया एफेक्शन इज नट भेरि वेल इन द मीन टाइम द ऑफिस एरिया इज रिलैक्स फ्रम द लॉकडाउन एंड वर्क हेज बीन स्टार्टेड उथ द फलोइंग एंड मेनटेनिंग द रूल्स आर एप्लाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो हमें पैराग्राफेट बांगला मान एक बार दीची जे ये पैंडेमिक लकडाउन अवस्थाय जेखने पुरो वार्ल्ड धरे ये पैंडेमिकटा चलते इंडिया लकडाउन रही है ये समय बाड़ीते ही आड्रेस लोकल एरिया चारपाशे अवस्था खूब एक भलो नम तो अवस्थाय अफिसटा जे पजिशन आज से हीखने लकडाउन रिलैक्स कराते अफिसर क्याकर्म अलरेडी स्टार्ट हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स फलो करी तो नेक्स्ट पैराते हमें आज दीची जेटा इन दिस टाइम आई एम अनेबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन थ्रू दो आई वांट टू रिज्यूम माई वर्क नाउ बट द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस इज नॉट अलाउड टू लीव द एरिया As you know, the distance between my residence to office is around 6 km. যেটা আপনাদের যতটা কিলোমিটার ডিসটেন্স থাকবে সেটাকে লিখে ধরবেন. And no local transportation is available now. So I am very much confused and unable to take decision. In this situation, I am fully depending and looking forward to your valuable suggestion, which will be good for my service as well as my health also. তো আমি এখানটা লিখেছি सेकेंड पैराग्राफे जो है ये समय ठीक मत डिसन दीते जदिवर क्षा शुरू करते जा अफि गए क्योंकि एखानकार अवस्था और परिस्थिति सरकम नए जो एरिया ऐड़े एर बहरे जा तो आपनी जानें अफिसर डिसटेंसटा बाड़ी डिसटेंसर थे 6 किलोमीटर दूरत कंतु एखने को लोकल परिवहन सुविधा एन नहीं जावाटा सम्भव हो उठचेना खूब ही संशय रही ठीक मत रिजनों नीते पाच्छिना तो एम तो अवस्थाए आपनार उपरे भरसा करे आपनार सिद्धांत सुनते चाहिए जेटा आमार सार्विसेर पक्षे भालो हबे एवं आमार शरीरेर पक्षे भालो हबे तो लास्ट लाइने आमी आरेकटा जिनिस एड कर दिछि जेखाने स्यार एगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू इन दिस रिगार्ड काइंडलि गिव योर ओपिनियन टू डू द बेटर जे आपनर जो सुप्रियर आएक बार द्वित बार रिक्वेस्ट करबें से ओपरे जो सबजेक्ट दीजें तर कारण
আপনি তার থেকে তার সিদ্ধান্তটা কি সেটাকে যাতে সে ভুলে দেয় বা আপনাকে এই রিপ্লাইটা দেয় যে আপনি কি করবেন, যেহেতু আপনি কোনো প্রপার ডিসিশন নিতে পারছেন না, তাই আপনার বসের কাছ থেকে আপনি এই ডিসিশনটা চাইছেন। লাস্টে লিখবেন থ্যাংক ইউ অ্যান্ড রিগার্ডস, ধন্যবাদ আনতে, আপনার নাম দেবেন এবং আপনার যদি এমপ্লয়ি আইডি থাকে সেটা দেবেন। তো এটা তো আমি আপনাদেরকে পড়ে শুনিয়ে দিলাম, তো এটাকে অন দ্য স্ক্রিন আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি, তো এটাকে আপনারা দেখে নেবেন, এই ড্রাফটটা দেখে নিয়ে আমি আশা করি এই কোভিড নাইন্টিনের সময় আমাদের অনেকের অবস্থাই এই ধরনের হয়ে রয়েছে, যাদের এরিয়া থেকে আমরা বেরোতে পারছি না কিন্তু আমাদের অফিস এরিয়া খুলে গেছে, তো সেইখানে আমাদের এই ধরনের চিঠিটা লেখা দরকার। অনেকের হয়তো মাথায় আসছে না কীভাবে কী করবো না করবো, তাই সেই জন্য আজকে আমি এই বাংলাতে এটাকে নিয়ে এলাম আর ইংলিশে ড্রাফট করে দিচ্ছি আমাদের। তো এটাকে দেখে নিন, যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগে এবং মনে করেন যে আপনার কাছে হেল্পফুল বা ইউজফুল, তাহলে আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং এটাকে শেয়ার করে দেবেন অন্যের সুবিধার্থে, এবং আপনারা বলবেন কমেন্টস করে যে এটা ভালো খারাপ বা আর নেক্সট ভিডিও কী ধরনের আনা যায়। এরপর এটাকে সাবস্ক্রাইব করে এর পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবেন যাতে আমার নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে আসে। তো আজ পর্যন্ত এইটুকুই, থ্যাংক ইউ।